श्री वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु जैसा बालक पाए सुपाई लख अपराध कुमावे कर उपदेश चिड़के बो पाती बोड़ पिता गल्लावे बच्चियां दे औगण जिवें मां नाच तार दी उवें साडे औगण नाच तारी मेरे मालका बच्चियां दे औगण जिवें मां नाच तार दी उवें साडे औगण नाच तारी मेरे मालका बच्चियां दे औगण जिवें मां नाच तार दी बच्चियां दे औगण जिवें मां नाच तार दी उवें साडे औगण नाच तारी मेरे मालका बच्चियां दे औगण जिवें मां नाच तार दी उवें साडे औगण नाच तारी मेरे मालका साड़ी औगण नाच तारी मेरे मालका नाच तारी मेरे मालका वे साड़ी औगण नाच तारी मेरे बाबा जी वे साड़े औगण नाच तारी मेरे बाबा जी ते औग जिवें मां नाच तार दी उवें साडे औगण नाच तारी मेरे मालका बच्चियां दे औगण जिवें मां नाच तार दी उवें साडे औगण नाच तारी मेरे मालका नाच तार दी ओम साडे औगण नाच तारी मेरे मालका सुत अपराध करत है जेते सुत अपराध करत है जेते सुत अपराध करत सुत अपराध करत है जेते जननी जीत न राखस पेते जननी जीत न राखस पेते रामैया हों बारक बारक तेरा रामैया हो बारक तेरा आहे नखंडस अवगुण मेरा आहे नखंडस अवगुण मेरा काहे नखंडस अवगुण बच्चियां दे औगण जिवें मां नाच तार दी उवें साडे औगण नाच तारी मेरे मालका
जे अति क्रोप करि कर काया जे आप रोत करे कर काया जे अति क्रोप करि कर ताया जे चिंत भवन मन परियो हमारा चिंत भवन मन परियो हमारा चिंत भवन मन परियो हमारा चिंत भवन मन परियो बच्चियां दे औगण जिवें माना चितार दी ओवें साडे औगण नाच तारी मेरे मालका ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਨਾਚ ਤਾਰੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਨਾਚ ਤਾਰੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਨਾਚ ਤਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਨਾਚ ਤਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤਾਰ ਦੀ ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਨਾਚ ਤਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨਾਚ ਤਾਰ ਦੀ ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਨਾਚ ਤਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨਾਚ ਤਾਰ ਦੀ ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਨਾਚ ਤਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਦੇਹੇ ਬਿਮਲ ਮਤ ਸਦਾ ਸਰੀਰਾ ਦੇਹੇ ਬਿਮਲ ਮਤ ਸਦਾ ਸਰੀਰਾ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਨਾਚ ਤਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨਾਚ ਤਾਰ ਦੇ ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਨਾਚ ਤਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਨਾਚ ਤਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਨਾਚ ਤਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਨਾਚ ਤਾਰੀ
मालका साडे औगुण नाच तारी मेरे मालका बच्चे आंदे औगुण जिवे मां नाच तारदी ओम साडे औगुण नाच तारी मेरे मालका बच्चे आंदे औगुण जिवे मां नाच तारदी ओम साडे औगुण नाच तारी मेरे मालका। जैसा बालक पाए सुपाई लख अपराध कमावे। साहब ने बाणी दे विच बहुत थान ते मां दा और पुत्र दा जिक्र कीता है। दुनिया दे विच सब तो जिहड़ा वड्डा रिश्ता है वह मां दा ते पुत दा है। दुनिया दियां निगाह दे विच पुत्र पावें किन्ना माड़ा होवे किन्ना गुनाहगार होवे पर मां दी निगाह दे विच उहदा कोई गुनाह नहीं है। जैसा बालक पाए सुपाई लख अपराध कमावे कर उपदेश झिड़के बहु पाती। कई तरह दियां झिड़कां दिंदा है पर आखिर नूं गल नाल ही ला लैंदा है। इसे तरह असी उस निरंकार दे जे बालक बन के रहांगे उहदे बच्चे बन के रहांगे तां सदा उतों बख्शीशा लवांगे। क्योंकि जिहड़े साडे ते दुख हन ना कोई भी दुख आउंदे हन इह साडे कर्मां दा फल है ते जिहड़े सुख आउंदे हन जो सुख भोगदे हां इह उहदी बख्शिश है। जिहड़ा भी मनुख संसार दे विच ये सोच के अपना निर्वाह करता है वह सदा सुखी रहिंदा है कि जेड़े दुख हन ये साडे कर्मां दा फल है ते जेड़े सुख हन ये उहदी बख्शिश है उसकी कृपा है ते जेड़ा सुखां नूं भी अपने कर्मां दा फल समझ लवे वह बड़ी वड्डी भुल कर रहा है। बच्चे बन के रवांगे होमबारक मुग अग्ञान पिता समझावेंगे उनू पिता मनांगे सदा उदियां बख्शिशां लवांगे क्योंकि बच्चों के औगुण कदे मां चतार दी नहीं। एक कोई बालक घरों चला गया बड़ी दूर किते चला गया कोई ऐसा गुनाह कर बैठा कि उनू कोई सजा जेल हो गई। जदों किते वो उस सजा तो छुटिया वो जेल तो उनू छुटकारा मिलिया उन्हें मन विच सोचिया कि मैं हुण जी घरे गया ते उन्हां नू पता लगेगा मेरे माता पिता नू मेरे गुनाह दा ते उन्होंने मैनू घर वड़न नहीं देना। उन्हें फिर एक चिट्ठी लिखी अपने घर दे विच वो चिट्ठी दे विच लिखिया बई घर दे कोलों रेलवे लैन लंघदी है मैं रेल दे डब्बे विच बैठा होवांगा अपने विहड़े विच जिहड़ा दरख्त लगा होया है ते जे तां तुसी उस दरख्त दे उत्ते कुछ चिट्टियां पट्टियां बन्नदे होंगे कपड़े दियां लीरां बन्नोगे ते मैनू ये महसूस होवेगा कि तुसी मैनू घरे वड़न तो ना नहीं करोगे तुसी मैनू गल नाल लाओगे ते मैं अगे जा के स्टेशन ते उतरांगा ते मैं घरे आ जावांगा ते जे तुसी ये ना कीता मैं उन्हूं देखांगा देख के अगे लंघ जावांगा फिर मैं जिथे मर्जी जावां मैं घरे वड़ांगा नहीं ते जे तुसी मेरे आउण दी इंतजार करदे होवोगे सचमुच तुसी मैनू मेरिया भुलां नूं नहीं चतारोगे ते तुसी उस दरख्त दे नाल लीरां लम बन दोगे उन्हूं देखूंगा ते मैं घरे आ जाऊंगा। जिस वेले वो चिट्ठी घरे मिली उन्हां दे तां एकदम होश उड़ गए बई तू साडे घर दा बच्चा है
असी तेरे वास्ते घर दे दरवाजे किवें बंद कर सकते हैं। तू दुनिया दी निगाह दे विच गुनाहगार होवेगा, सरकार दी नजरां विच गुनाहगार होवेगा, पर साडी निगाह विच तू गुनाहगार नहीं। वो कहन लगे भी हुण फिर दरख्त दे नाल लीरां बन्नो। फिर नाल ही सोचिया बई जे दो चार लीरां बन्नियां किते ये ना होवे कि उहदी नज़र विच ना आउण, उहनूं दिसण ना, ते वह सोचे भी कुछ नहीं कीता इन्होंने। कहिंदे इस दरख्त दी टाणी टाणी दे नाल लीरां बन्न दे। वो माता पिता ने उस दरख्त दी हर पत्ते पत्ते दे नाल टाणी टाणी दे नाल लीरां बन्न दित्तियां। ते जिस वेले उत्थों लंघिया रेल दे विच ते उन्हें देखिया है, मैं तो सोचता सी भी एक दो लीरां बन्नियां होणगियां, ये तो सारा दरख्त ही लीरां नाल भरिया पिया। वो गड्डी तों उतरिया घर आया, माता पिता ने बड़ा प्यार किया, कहन लगा बई चलो लीरां तुसी बनिया मेरी वेट करन वास्ते मैनू घर आउन वास्ते, पर मैं इस गल ते हैरान हाँ कि तुसी एक एक पत्ते दे नाल ही लीरां बनिया पईआं हन, एक एक टाणी दे नाल लीरां बनिया पईआं हन। माता पिता दा रोण निकल गया, कहन लगे बेटा वो इस वास्ते बनिया कि शायद हो सकता है जे दो चार बंदे ते तेनू दिसदियां ना ते तू अगे लंघ जांदा, इस वास्ते असी इनियां लीरां बन दित्तियां कि एक माफ़ी की तू लखां गुनाह करे तेनू असी सारियां ही माफ़ियां दिंदे आ। साध संगत बोलो श्री वाहिगुरु। ये माता पिता मां दा पुत्र दा प्यार है। इसी तरह साध संगत एक मिसाल दिती है भई जिहड़ा ये मनुख है जे बच्चे की तरह अपने गुरु नूं मां माता पिता समझ लवे, तू मेरा पिता तू है मेरी माता, ते इस तरह गुरु गल नाल लाएगा जिवें उस बच्चे नूं गल नाल लाया है, साडा कोई गुनाह नहीं चितारेगा। मावां नूं पुत्र प्यारे ते भगत प्यारे रब नूं, उहदे बच्चे बणांगे उहदी भगती करांगे उहदी निगाह विच रहांगे, ते सानूं वी उह अपनी गोद विच इवें बिठाएगा जिवें माता अपने बच्चे नूं बिठाउंदी है। आओ एक वारी पढ़ लो सारे प्यारे। जिवें मावां नूं पुत्र प्यारे भगत प्यारे रब नूं, जिवें मावां नूं पुत्र प्यारे भगत प्यारे रब नूं, मावां नूं पुत्र प्यारे भगत प्यारे रब नूं, जिवें मावां नूं पुत्र प्यारे भगत प्यारे रब नूं, जिवें मावां नूं पुत्र प्यारे भगत प्यारे रब नूं, जिवें मावां पुत्र प्यारे भगत प्यारे रब नूं, जिवें मावां पुत्र प्यारे भगत प्यारे रब नूं, जिवें मावां पुत्र प्यारे भगत प्यारे रब नूं, 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 जिवें मावां नूं पुत्र प्यारे भगत प्यारे रब नूं, जिवें मावां नूं पुत्र प्यारे भगत प्यारे रब नूं, जिवें मावां नूं पुत्र प्यारे भगत प्यारे रब नूं, जिवें
मावन पुत्र प्यारे भगत प्यारे रब नू चंद चकोर प्रीत है लाए तार निहाले चकवी सूरज हेत है खिड़ मुख विखाले पीर मुरीदां पिरहड़ी ओ निभ नाले नाल पतार प्यार है नाल पतार प्यार है मां पुत्र समाले भगत प्यारे रब नू जिमे मावानू पुत्र प्यारे भगत प्यारे रब नू जिमें मावानू पुत्र प्यारे भगत प्यारे रब नू 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 जिमें मावानू पुत्र प्यारे भगत प्यारे रब नू उस वाहेगुरु की भगती वाहेगुरु का नाम जपना उदे नाल सांझ पैनी ये साध संगत पूर्वले जन्मां दी पुन कैसिया कैसिया महापुरखों के जीवन विच कथा कहानियां पढ़ते सुनते हाँ जिन्हों पढ़ सुन के साध संगत रोंगटे खड़े होंगे तन तन बाबा नंद सिंह जी महाराज के विद्या गुरु बाबा बदावा सिंह लहरे वाले उन्हों का जन्म 1855 का विसाखी वाले दिन अमृत वेले 1 बजे के करीब होया जिला संगरूर दे विच इन्हों का पिंड पिता सरदार वरियाम सिंह जी दे कर पहले बच्चे का जन्म विसाखी वाले दिन 1 बजे रात नू ते सरदार वरियाम सिंह जी ठीक राती 2 बजे तुर पए दमदमा साहब हाजरी भरन वास्ते क्योंकि हर संग्रांद ते जांदे सी पर अज तो विसाखी वाली संगरांद है उतों चले तकरीबन 11-12 बजे करीब वो दमदमा साहब पहुँच गए उत्थे काफ़ी संत महापुरख रेंदे सन अड्डो अड्डी गूंगे सन उन्हां दे वो बच्चियां नू विद्या की दात दे दिया करदे सन उस वेले धार्मिक विद्या उत्थे ही पढ़ी जांदी सी ते जिस वेले इन्हां दे पिता जी सरदार वरियाम सिंह जी पहुँचे इन्हां दे एक भाई सी
राम सिंह उत्थे जो पहले ही सेवा करया करदे सन, बाबा वधावा सिंह जी दे चाचा जी कह लो, इन्हां ने जदों जाके अपने भरा नूं दस्या वी राती इस तरह 1 बजे बच्चे ने जन्म लिया है। उन्हें होर महापुरखां नूं जो उत्थे बैठे सन सेवा कराउंदे उन्हां नूं सारिआं नूं इस गल दा जिक्र कीता, ते ओ महापुरखां दे मुख विच्चों पता की बचन निकलिया, कहण लगे ये विसाखी वाले दिन आया बालका, कलगीधर सच्चे पातशाह दा ये दिन है, खालसे नूं अमृत छकाया जिस दिन, ये उन्हां दा अपना ही कोई खालसा है, इंज कर इहदी अरदास इत्थे करा दे। साध संगत किड्डा वड्डा इम्तिहान दा परचा, पहला बच्चा है, 1 दिन दा हजे नहीं है, ते ये बचन महापुरख कर रहे हैं भी उहदी इत्थे अरदास करा दिओ, वो गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह का खालसा है। पहला तो एकदम चुप कर गए, तो फिर नाल ही विचार आया भी महापुरखों का बचन है, सत बचन करने विच भला है, सत बचन कर दिता तो उथे अरदास कर दिती, किड्डा वड्डा जिगरा है। पर कोई पूर्वले जन्मां की सांझ है जो उन्होंने उथे लैके जा रही है, अरदास हो गई, वापस घर परत आए, 3 साल दे होए स्कूल विच विद्या पढ़न लाया, जदों 5 साल दे होए उन्हां नूं ले जा के उन्हां महापुरखां दे चरणां विच पेटा कर दिता, लो जी अपनी अमानत आप सांभ लो। तो बाबा वधावा सिंह जी 5 साल दे सन जदों उत्थे सेवा विच लगे, फिर आप पहलां उत्थों पढ़ाई कीती सारी, विद्या दी दात हासिल लई कीती, ते फिर साध संगत अगों बच्चों नूं पढ़ाउणा शुरू किया, ते बेअंत कालना कर ली उन्हां ने, ते फिर उत्थों नेड़े लहरे पिंड आ गए, ते जिथे आप सारे जानते हो कि बाबा नंद सिंह महाराज जदों हजूर साहब तो पढ़न वास्ते आए, पहला तां दमदमा साहब ही गए सी, पर उत्थों हुक्म अनुसार लहरे आ गए, ते लहरे बाबा वधावा सिंह जी नूं पहले ही दस दिता सी किसी जोशी ने कि तुहाडे घर तुहाडे कोल कोई ऐसा विद्यार्थी आवेगा जिसकी बड़ी वड्डी कमाई होवेगी, तुहानू भी उहनां दे सदके दुनिया विच माण प्राप्त होवेगा। ते जिस वेले बाबा जी पहुंचे ते उहनां ने उह पहले ही सारी उहनां नूं सोझी सी, ते साध संगत दुनियावी पढ़ाई कीती, पढ़ाई की करनी सी उह तां इक मर्यादा पूरी करदे हन महापुरख, उह मर्यादा पूरी कीती, किड्डा माण प्राप्त होया साध संगत बाबा वधावा सिंह जी नूं कि एक धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज नूं विद्या गुरु उन्होंने अखवाया, दुनिया के विच जाणिया गया उन्हां दा नाम। उत्थों ही बाबा वधावा सिंह जी बाबा आनंद सिंह जी की सुरती बिरती नूं देख के आप जी नूं पुछो साहब बाबा महारनाम सिंह जी के चरणों में लैके गए, उत्थों उन्हां दी बाबा महारनाम सिंह जी के चरणों नाल गंढ पई। तो ऐसिया ऐसिया कथा कहानियां महापुरखों दियां, मेरे साहब आखदे ने हर कियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाईयां, सुन साखी मन जप प्यार। जपना वाहिगुरु का नाम है, पर साखियां असीं सुनदे हाँ क्योंकि उन्हां नूं सुन के साडे अंदर प्यार उपजदा है, साडे अंदर प्यार पैदा हुंदा है। अज तां साडे सिख जगत विच ऐसे भी प्रचारक आ गए हैं जिहड़े गुरबाणी ते भी टीका टिप्पणी, सिख इतिहास ते भी टीका टिप्पणी, संतां महापुरखां ते भी टीका टिप्पणी, और इथों तक हालात हो गए हैं कि अज उन्हां दा इक्को ही कहना है कि संसार विच संत कोई है ही नहीं, ये उन्हां दी मन दी आवाज़ आ, कहिंदे कोई संत है ही नहीं दुनिया ते, क्यों किसी संत दे कोई इहो जिहे देख लई उन्होंने दुनिया दे विच माड़े चंगे हुंदे ने, साध संगत चंगे बहुत घट हुंदे ने, विरले हुंदे ने, फुल एक हुंदा है कंडे 10 हुंदे ने। इसी तरह साहिब ने तां बाणी विच पहले ही कहा हैन विरले ना ही घणे, विरले हन घणे नहीं बहुते नहीं हन,
पर असी साध असाध जानियो नहीं, साध साध संत ते असंत की पहचान नहीं की, बस वाद विवाद करन लगे। पहला पहल गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ते भी टीका टिप्पणी शुरू हुई, इतों तक कि इन लोगों ने आख्या भी गुरु ग्रंथ साहब चो के एक तो सुखमनी साहब कढ़ दो, क्योंकि ये संतां की बड़ी उपमा है, एक सुखमनी साहब का पाठ कढ़ दो, भगतां की बाणी कढ़ दो, भट्टां की बाणी कढ़ दो, जिथे राम का नाम आउंदा वह कढ़ दो, जे कृष्ण का नाम आउंदा वह भी कढ़ दो। इन्हां दे अंदरली गल कई बार बाहर आ जाती है, आ पिछे जे की गल है, हजे 15-20 दिन की गल है, एक प्रचारक ने कथा करदिया ये लफज आखे भी ये जी आखे बाणी है ना सुखमनी साहब दुख भंजनी साहब, ये आखे गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नहीं है। बाद चुन सोझी आई भी मैं की बोल बैठिया, पर उदे अंदरली आवाज जो सी, जो जी होए सो उगवै मौका कह आवाओ, जो अंदर हुंदा वह बाहर आ जाता है। बाद च उन्हें दूजे दिन माफ़ी भी मंग ली इस गल की, पर एक बारी उन्हें अपनी जिहड़ी अंदर आवाज सी ना वह बाहर कढ़ दी। तो सतगुरु ने संत महापुरखां दे उत्ते एडी एडी कृपा की है, जिन्हां दे सदके संसार का भला होया है, पर वो लोग कहिंदे कोई संत ही है नहीं। देखो कोई बाणा पा के गलती करदा है, असी एक नूं देख के ये कह दईए भी कोई भी नहीं है। हुण सिख भी तो ऐसे हैं जिहड़े भेख दिखा के कई ऐसे कुकर्म करदे हैं, की कहीए फिर कल नूं उहनां नूं देख के भी कोई सिख ही है नहीं। मनुखी शरीर इको जे हन सारिआं दे, एक वो मनुखी शरीर है जिसने इतने इतने वड्डे कारनामे कीते, संसार दे विच उहदा नाम चमकिया, ते एक उहो जिहा मनुखी शरीर है जो जेल दे विच बैठा है। हुण की कहोगे भी कोई मनुखी नहीं हुंदा, उहनां दी पहचान है वक्री वक्री। तो साध संगत जे तां बई ये गुरु कीआं कथा कहाणियां, हर कीआं कथा कहाणियां गुरमीत सुणाईआं, सुन साखी मन जप प्यार, ये कथा कहानियां सुन के ते प्यार अंदर आएगा, असी जपांगे उहदे चरणां ते टह पवांगे, साध संगत वो सानू बख्श लेगा। धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, किड्डी उन्होंने कमाई की। कहिंदे ने जे धर्म देखना आपनों आप तो उपरले का देखो, जे धन देखना तो आप तो नीवे का देखो। धर्म अपने तो उपरले का देखो, जे नाम जपन वाले भी ऐसे बंदगी करन वाले महापुरख की कथा कहानी कोई सुनांगे कि कितनी उन्होंने तपस्या की है, फिर साढ़े मन दे विच कदे ए होमे आवेगी नहीं। असी सोचांगे असी की नाम जपिया, आ देखो नाम जपन वालियां रूहां जिन्हां ने दिन रात नाम जपिया, सारी सारी रात पानी विच खड़ोते रहना, सारी सारी रात केस बन के तपस्या करनी, ये नाम जप गए हैं, ये महापुरख परोपकारी। जन्म मरण दोहूं मैं नाहीं, जन परोपकारी आए। महापुरखां दीआं भी कई किस्मां हन साध संगत, एक महापुरख नाम जप के रिद्धि सिद्धि प्राप्त करके शक्ति हासिल करके फिर किसी नूं वर दिंदे हन, फिर उन्हां दा वचन पूरा हुंदा है। एक महापुरख हन जो वचनां नाल भला करदे हन, एक महापुरख जिन्हां दी निगाह विच मेहर, जिन्हां दी हत्थां विच मेहर, जिन्हां दे चरणां विच मेहर, एक इस तों भी उपर महापुरख हन जिन्हां दी हवा विच मेहर।
एक महापुरुख तपस्या कर रहे, आख्या भी कुछ देना चाहते हैं तुहानू, की दियोगे? आख्या तुहानू इन्नी शक्ति देवांगे किसी के सिर ते हाथ रख दियो उहदा भला हो जाएगा, किसी नू कोई वचन कर दियो उहदा भला हो जाएगा, कोई तुहाडे चरणां नाल छो जाए उहदा भला हो जाएगा। महापुरख कहण लगे नहीं, मैनू नहीं चाहिए शक्ति। क्यों? तुसी किसी का भला नहीं करना चाहते? कहण लगे करना चाहते हाँ, पर भला करके असी किसी नू जणाउणा नहीं चाहते। ऐसी कृपा करो कि जिथे साड़ी हवा भी लंघ जाए उहदा भला हो जाए ते सानू पता भी ना लगे। साध संगत बोलो श्री वाह। इसे कमाई वाले महापुरख कह लगे जिथों लंघते जाइए साड़ी हवा आवे ते हवा भी जिथे जावे उहदा भला करती जावे सानू पता भी ना लगे, ऐसा भला करना चाहते हैं। ऐसियों कमाइया करके साध संगत अपने आप नू जणाउणा भी नहीं। इन्हां वास्ते तां बचन कीता है जन्म मरण दोहूं मैं नहीं, जन पर उपकारी आए। पर उपकार कर दे महापुरख तो उन्हां दा देखिए नाम जपिया होया। ते असी एक पाठ या दो पाठ सुखमनी दे करके कदे साडे अंदर होमे ना आवेगी। उन्हां महापुरखां नू सेवा करदे देखिए, उन्हां दी सेवा बाबत सुनिए कथा कहानियां ते सानू सेवा करके कदे होमे ना आवेगी। भगत पूरन सिंह आपां सारे उन्हां दा नाम सुनिया, ये पहला एक हिंदू परिवार विच्चों सन, राम जी दास इन्हां दा नाम सी। इत्थे पढ़दे होए लुधियाणे आए, लुधियाणे एक मंदिर दे विच सेवा करदे रहे, पढ़ाई करन जांदे, पेपर देन जांदे जां जिवें भी, ते आ के मंदिर दे विच रात गुजारी। नाल उन्हां दे पुजारियां दे मूर्तियां भी साफ कराईयां, होर भी जिथे सेवा कोई देखी सेवा बड़ी कीती उन्होंने। तो जिस वेले प्रशादे दा समा होया, प्रशादे आए, उन्होंने सामने बह के छक ले ते भगत जी नू सुला भी ना मारी भी प्रशादा छक लो, हुण भुख तां अंदर लगी सी। उस वेले कोई एडे साधन भी नहीं सन भी जिवें अज थां थां ते खाण नू प्रशादा मिल जांदा है होटलां ते जां किते भी, उस वेले इतने साधन नहीं सन हुंदे, मंदिर गुरुद्वारे ही एक टेक हुंदी सी। बड़ा मन नू दुख होया भी मैं सेवा भी कीती कराई है ते मैनू एक फुलका भी नसीब नहीं होया। इस तरह करदिआं किते उह चले गए इधर मस्तुआणा साहिब, बाबा अतर सिंह जी गुरुद्वारा साहिब विच संगत की अगवाई कर रहे सन। उस समय जदों गुरुद्वारा साहिब विच गए, मत्था टेकिया, लंगर चल रहा सी, सेवादार आवाजा मार रहा सी आओ भाई प्रशादा छको प्रशादा छको, साध संगत बैठ गए, उन्होंने प्रशादा पा दिता। हजे प्रशादा पहला छकिया नहीं, उपरों होर आ गया, उपरों लस्सी आ गई, उपरों चाह आ गई, लो भी जो मर्जी छको। हैरान हो गए, ये कैसा धर्म है कि जिथे धक्के नाल प्रशादा छका रहे हैं, मंगण की भी लोड़ नहीं पै रही, ये धर्म है। ऐसा ही धर्म सानू अपनाउणा चाहिए। उन्हां दा मन बदल गया उत्थे, भी मैं सिख धर्म दे विच ही अपना जीवन ढालना है। साध संगत सिखां दी ऐसी सेवा, ऐसा सत्कार, ऐसा गुरु की बख्शिश इन्हां ते होई। गुरु नानक पातशाह ने दसां गुरु साहिबाना ने इन्नी बख्शिश कीती, जिवें भाई कन्हैया जी दी साखी तां तुसीं पढ़दे सुणदे हो, इन्नी बख्शिश कीती कि इन्होंने संसार की इतनी सेवा कीती, इतनी सेवा कीती, इतना सत्कार सी सिख कौम का संसार दे उते,
कि ये साड़ियां गलतियां करके असी उस सत्कार नू बरकरार नहीं रख सके। साध संगत बोलो श्री वाह। अज निक्कियां निक्कियां गल्लां हैं आपस विच, निक्कियां निक्कियां गल्लां ते एक दूजे दे विरोधता करी जांदे ने। कहिंदे जी ये मूल मंत्र वड्डा पढ़दे ने, ये रहरस वड्डी करदे ने, ये अरदास वड्डी करदे ने, ये छोटी करदे ने, ये कोई गल्लां ने साध संगत करन वालियां। नाम जप रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब की सानू टेक है। एक गुरमुख ने गल सुनाई, कहिंदे बई सिखां दी लड़ाई पता किदां दी है, जिवें एक जनानी आदमी की लड़ाई सी ते पांच सत सियाने बंदे सुलझाउण वास्ते गए। उन्होंने सारी उहदी खोज पड़ताल की, अखीर की खोज निकली, वो जनानी कहन लगी जी ये जदों मेरा पति रोटी खांदा ना उदों इहदी दाढ़ी हिलदी है, इस गल की लड़ाई है। हुण ना दाढ़ी हिलणों हिटे ते ना लड़ाई मिटे। कोई इसका सिर पैर है इस लड़ाई का? एहो जी निक्कियां निक्कियां गल्लां पिछे आपस विच मतभेद निके निके। तो साध संगत ये गुरु बख्शिश करे कि जितनी सिखां नूं इन्नी इज्जत बख्शी सी कि असी उस इज्जत नूं बरकरार रख सके। ते उस भगत पूरन सिंह ने साध संगत जो सेवा कीती, अपाज व्यक्तियां दी ऐसी सेवा उन्होंने कीती है कि जे अज सानू किसी अपने परिवार के मैंबर की भी सेवा करनी पवे सानू वो भी करनी औखी लगेगी। ते उन्होंने एहोजियां दी सेवा कीती जिन्हां दी जान नहीं पहचान नहीं, बस इको अंदर मन विच धार लिया कि मैं सेवा करनी है। ये किस दे नाल होया? ये सारी गुरु की बख्शिश दे नाल। जे असी एहो जे सेवा करन वाले महापुरखां दीआं साखियां कथा कहानियां सुणांगे, साध संगत असी सेवा किन्नी करिए साडे अंदर हउमै नहीं आवेगी। असी सोचांगे असी की सेवा कीती है, सेवा ते ये महापुरख कर गए। साध संगत बोलो श्री वाह। तो साध संगत अज इस स्थान ते बैठे हो, ये तन तन बाबा मियाँ सिंह जी सियाड़ साहब वाले, ये उन्हां महापुरखां विचों हन जिन्हां बाबत आपां जिक्र कर रहे हैं भी संसार दा भला कीता, जिथों लंघदे गए उसका भी भला हुंदा गया ते अपने आप नूं जुड़ाया भी। धन बाबा नानक सिंह महाराज, धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज, धन बाबा कुंदन सिंह जी महाराज, धन बाबा मियाँ सिंह जी, धन बाबा खीम सिंह जी सियाड़ साहब वाले, ये वो महापुरख होए हैं साध। ते अज साडे लोग ये गल कह कि संत तां कोई दुनिया ते है ही नहीं, किड्डी वड्डी भुल होवेगी उन्हां दी। संत असंत दी पहचान करो कि फर्क की है, पर ये गल कह देनी पर कीता की जाए। साध संगत ये सब सतगुर सच्चे पातशाह ने एक जिमें कलयुग की ड्यूटी लाई है भी तू अपनी ड्यूटी करी चल। ते आपां साध संगत सदा गुरु तो मेहर मंगीए कि सच्चे पातशाह साढ़े ते मेहर करी, साडा मन इहो जिहा बना देवी कि असी ना तो इहो जिहियां गल्लां दे विच आईए ते ना असी इहो जी कोई गल करिए कि जिस नाल असी तेरे चरणा तो दूर हो जाए। असी सदा तेरे चरणा विचों मेहर मंगीए कि सच्चे पातशाह असी अणजाण बालक हाँ, अनेकां भुलां कीतियां हन करदे हाँ, सानू अणजाण बच्चे जाण के माफ कर देना।
उवें सानू तार लै जिवें लालो गरीब ताई तारिया। दुनिया नफरत करती सी, गरीब ना हमेशा ही दुनिया नफरत करती है। कोई किते बैठा है परसू परसा परस राम माया तेरे तीन नाम। दुनिया नफरत करती है पर नाम जपण वाले महापुरख जिन्हां नूं सोझी है ना वो नफरत नहीं करते। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज पहली बार जदों बागे गए पाकिस्तान दे विच जिला चंग ते उहदे विच पिंड एक छोटा जिहा बागां, बाबा जी जदों गए टांगे दे उत्ते बैठे सन, अमृत वेला सी। भाई सुलखण सिंह नाल कहन लगे सुलखण सिंह भाई जा इस पिंड दे विच एक उत्तम चंद नां दा बंदा रहिंदा उहनूं सद के लिया। सत बचन वह पुछदा पछांदा घरे पहुंचिया। अगों वह पिंडां विच फेरी लाउंदे सन, घोड़ी दे उत्ते सौदा सूदर लद्या होया सी, वेचण वास्ते जाना सी, इहदे नाल ही निर्वाह करदे सन। जाण दी तैयारी विच सन कि जिस वेले सुलखण सिंह ने आवाज दित्ती उत्तम चंद तेनू महापुरख याद कर दे, संतां ने सद्या है तेनू। पुछिया भी किहड़े संत? मंडली वाले संत आनंद सिंह जी जां संत देवा सिंह जी, क्योंकि ये दो ही महापुरख सन जो उस पासे ये मशहूर सन, उस पिंड विच आउंदे जांदे रहिंदे सन। सुलखण सिंह ने आख्या नहीं संत हन, संत कलेरां वाले बाबा आनंद सिंह जी। आख्या भी मैं तां नहीं जाणदा उहनां नूं, पर ओह मैनूं जरूर जाणदे होणगे जिन्हां ने मैनूं सद्या है। उत्थे ही काम छड्ड दित्ता, काम नूं मुख नहीं रखिया, महापुरखां दे बचन नूं मुख रखिया। तुर पे साध संगत। जिस वेले पहुंचे टांगे दे विच बैठे बाबा जी, जाके मत्था टेकिया, फिर तां सोझी ओ प्राणी आ गई हुई। पूर्व प्रीत गोबिंद विचारो, क्योंकि वो प्राणी प्रीत बाबा जी ने विचारी। इशारा किया उत्तम चंद पिछे बैठ गया, टांगे दे विच बिठा लिया। उतों बाबा जी चलते हुए उत्थे कोई किलो दो किलोमीटर बाहर नानकसर गुरद्वारा, उत्थे कोई पहला ही बनिया सी, बाबा जी ने नहीं सी बनाया, वो पहला बनिया होया सी, कोई संत भगत सिंह जी होए पहला उन्होंने बनाया सी। उत्थे सरोवर भी सी, बाबा जी उत्थे पहुंचे ते बाबा जी ने आप सरोवर दे विचों जल वरतिया, अखां दी छटे मारे ते उत्तम चंद नूं भी सद्या, अपने हथ दे नाल उहदे मुख दे उत्ते पाणी सुटिया ते कहन लगे उत्तम चंद नहीं तू उत्तम सिंह है। तो साध संगत बाद दे विच फिर अमृत छक के अमृत भी छक लिया, उत्तम चंद तो उत्तम सिंह बन गए। बाबा जी ने बनाया, गुरु के चरणा नाल लाया ते फिर साध संगत बाबा जी की सेवा करते सन। उथे जदों बाबा जी ने जाना महीना दो महीने रहना ते साध संगत हजूरी सेवा बाबा जी की करनी, ते बाबा जी बड़े प्रसन्न सन ते लोग जान देखते सन भी ये पिंड दे विच सब तो गरीब बंदा तीन डंग दी जिसनू रोटी भी नहीं जुड़ती, असी एडे एडे अमीर, ते बाबा आनंद सिंह जी ने इहनू घरों बुलाया। क्योंकि पिंड विच कौन जानदा सी, पिंड विच तां सारे अद्धा नाम लैके उत्तमा कह के बुलाउंदे सन, क्योंकि गरीब नूं तां इसे तरह ही बुलाउंदे हन सारे। पर बाबा जी नूं पता नहीं किहड़ी पिछले जन्मां दी कोई उहदे कमाई दी सांझ सी जिस करके खिच लिया नाल अपने। ते साध संगत फिर
बाबा जी की हजूरी सेवा करते रहे। 10-12 साल बाबा जी के चरणों में लगातार नहीं, क्योंकि पिंड दे विच काम कार भी करते सन। हट्टी पाई सी छोटी जी, एक भाईवाल सी उन्हां दा राम सिंह, काम वह ज़्यादा करता सी, ये ज़्यादा सेवा करते सन। बाबा जी ने उन्हूं सद के आख्या, बई तू काम करदा है, इहदे बच्चे तू पालदा है, पाली चल, पर जे तू समझे भी ये तू फ्री कर रहा है जां तैनूं इस दा कुछ मिलेगा नहीं, ये असी जिम्मेवार हाँ। ये दुकान की हट्टी चो अद्धा इहनूं दिना है, तो जिहड़ी ये सेवा करदा है उहदी सेवा का अद्धा फल तैनूं मिलेगा। साध संगत बोलो श्री वाह, अद्धी सेवा का फल भी तैनूं मिलेगा। तो इस तरह करके निर्वाह हुंदा सी। ते पिंड विच एक गुरद्वारा सी, उत्थे ग्रंथी की ड्यूटी भी कर रहे सन, क्योंकि यही हुंदा थोड़ा बहुता करके निर्वाह करना। वो ग्रंथी की ड्यूटी करदे साध संगत पिंड दे विच एक कोई महात्मा आ गए। उन्होंने गुरद्वारे देखण वास्ते गुरद्वारे आए, तो जिस कमरे दे विच गुरु ग्रंथ साहिब का विराजमान करते सन वो बहुत ही सुंदर सजाया होया सी। वह महात्मा नूं भुलेखा पै गया भी शायद ये ग्रंथी ने यह अपना कमरा इतना सोहना बनाया होया है, तो कहन लगा भी ये तो कमरा होया तेरा, तो गुरु ग्रंथ साहिब का कमरा केड़ा है? आख्या जी ये गुरु ग्रंथ साहिब का कमरा है। आख्या तू तेरा कमरा केड़ा है? कहन लगा जी मैं आराम नहीं करता, मैं दरवाजे के बाहर बह के सारी रात पखा करता, सारी रात पखा, खिचण वाला पखा हुंदा सी। साध संगत ओ महापुरख बहुत ही प्रभावित होए, कहन लगे किन्हां महापुरखां दी संगत कीती? आख्या बाबा आनंद सिंह जी दी। आख्या जिहड़े महापुरखां दे सेवादारां दे अंदर गुरु ग्रंथ साहिब प्रति एडी भावना है, उन्हां महापुरखां दी अपनी किन्नी भावना होगी? तो साध संगत बड़े भागां वाले कर्मां वाले हो तुसी सारे, जिन्हां नूं ऐसे महापुरखां दे संगत प्राप्त होई है। ये बाबा अमरीक सिंह जी जो इत्थे स्थान की सेवा निभाउंदे हन, जिन्होंने बाबा मियाँ सिंह जी के पास रह के काफ़ी समा सेवा की, उन्हां दियां खुशियां प्राप्त कीतियां, ते अज ये जंगलों च मंगल लाए हुए ने। ये किस दे सदके लगते हैं साध संगत? ये सब नाम बाणी सिमरन दे सदके। नाम जपया जाता है उत्थे सारा कुछ अपने आप आ जाता है, जंगलों च मंगल लग जाते हैं। तो वड्डे भागां वाले हो तुसी जो समय नाल आ के ये लाभ प्राप्त करते हो, तो महापुरखों की बड़ी वड्डी देन है इलाके नूं। अज ये बाबा जी का, बाबा मियाँ सिंह जी सियाड़ साहब वालियां दी जो याद विच बैठे हाँ। साध संगत ये सतगुर कृपा करन कि इस तरह असी गुरु के चरणों नाल जुड़े रहिए, ते हमेशा उन्हां दे निमाणे बच्चे बन के, निमाणे सेवक बन के अपना निर्वाह करिए, अपनी जिंदगी लंघाइए, कि जेड़े ये सुख हन ये सच्चे पातशाह तेरी बख्शिश हन, ते जे कोई दुख है ये साडे कर्मां दा फल है। साध संगत बोलो श्री वाह। तो साध संगत ये उसकी कृपा रहमत तदे होवेगी जे आप महापुरखों के चरणों में बैठ के ये निमाणी अरदास बेनती करते रहेंगे। आओ एक बारी करके करके बेनती, तो फिर करिए समाप्त। उमें सानू तार लै जिमें लालो गरीब ताई तारे आ, उमें सानू तार लै जिमें लालो गरीब ताई तारे आ।
करनी। हुण साडे सत्कार योग नानक सर तों भाई विंदर सिंह जी, जो बाबा कुंदन सिंह जी दे बाग विच बाबा हरभजन सिंह जी की अगवाई हेठ सेवा करते हैं, कीर्तन की सेवा निभा रहे हैं, उन्हां पासों आप जी ने कथा कीर्तन सरवण करना है। होर साडे सत्कार योग जो नाल गुरमुख प्यारे भाई गुरप्रीत सिंह जी, इधर साडे सत्कार योग ये सारे बड़े ही विद्वान रागी कीर्तनी हैं साध संगत, ये तो इन्हां दी चलो रहमत है जो ये दास दे नाल साथ दे रहे हैं, नहीं तो दास तो इन्हां दे चरणा की धूड़ वर्गा भी नहीं है। तो आओ हुण अगों जिवें समा होवेगा इतनियां कहाजरियां प्रवान करो, प्यार सतपते बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।